नमस्कार फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की पहली अर्ध हाई स्पीड ट्रेन, जिसकी स्पीड 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे भारत के इंजीनियरों ने चेन्नई के सवारी डिब्बा कारखाने में महज 18 माह में बनाकर तैयार किया है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो आपको मिलते रहें। इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भी रखा गया है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि इसे इंजन रहित बनाया गया है। 16 डिब्बों की इस गाड़ी में बड़े शीशे तथा ऑटोमेटिक दरवाजों से सुसज्जित किया गया है। इस ट्रेन का डिजाइन और निर्माण मेक इन इंडिया के तहत पूर्णतः भारत में किया गया है। इसका ट्रायल रन 2 फरवरी 2019 को हुआ तथा दिल्ली से वाराणसी के लिए फरवरी 2019 के दूसरे सप्ताह में 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ट्रेन का ट्रैक्शन इक्विपमेंट बोगियों के नीचे लगे हैं, जो एक खास तरह की मोटर होती है, क्योंकि इस ट्रेन में बाकी ट्रेनों की तरह इंजन नहीं है। कुर्सियों को भी इस तरह डिजाइन किया गया है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही हो, कुर्सी को उस डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। न्यू इंडिया की इस ट्रेन में एडवांस सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं तथा ट्रेन में दिव्यांगों के लिए खास तरह के टॉयलेट का इंतजाम किया गया है। तभी तो यह ट्रेन है सबसे अलग। इस ट्रेन को बनाने में 97 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से कटरा के बीच चलाई गई, जिसे हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिखाई। दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं न्यू इंडिया की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।